how would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction. Right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जी मैं इस रेफरेंस में पूछ रहा था। The so-called defenders of democracy have become oblivious to the fact that such a big chunk of democracy is undone. That is India. So what is wrong with that? I don't understand your objection. What does he expect from the USA and from the European Union? Is that a hidden secret? Is that a top secret? That rocket science? Yeah. I'm asking you a counter question. What? What is the question? Is the fact that Indian democracy is undone is rocket science, you think? Ye koi state ये आपका स्टेटमेंट है कि भारत का लोकतंत्र नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा बोलिए, सुप्रिया शनेत। सौरभ शर्मा मुझे बोलने दीजिए, बोलिए सुप्रिया शनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे? जैसे आपने कोशिश की मैंने भी की। आप मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात करिए। मैं अपनी बात करूंगी, आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर, आप उसका ही सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं। दर्शक देख रहे हैं। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए, आप शो कर लीजिए। अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हूँ सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? Yes, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं, वो क्यों ओब्लिवियस हैं जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे? अंग्रेजी भाषा का कौन सा समझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा? और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है और क्या? ये क्या रॉकेट साइंस नहीं है कि देश में लोकतंत्र और अमेरिका आके बचाएगा? आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा? आप भी नहीं पढ़ा सकती। अमेरिका बचाएगा हमें? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा? क्या बात करते हैं? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा? दिखा रहे हैं आप लोकतंत्र की असलियत? अरे अमेरिका बचाएगा भारत का लोकतंत्र मैडम? अरे लोकतंत्र बचाना आपका काम है। चलिए मैं तो जो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ छोड़ दीजिए। मुझसे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, तो अमेरिका से उम्मीद है उन्हें। अब अमेरिका से उम्मीद है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं, 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जरखरीद गुलाम नहीं हूँ कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे, बेहुदा शब्द और कुछ भी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है बात करने का?
शिष्टाचार की बात करती हैं आप, बदतमीजी करना, मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे, बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ नहीं। आप बदतमीजी करना चाहते हैं? मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, दुनिया देख रही है मैडम आपको। ऑलराइट सुधांशु जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली सुधांशु जी, बहुत देर आपको इंतजार कराया, जवाब आपके सामने। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या मतलब निकालते हैं आप राहुल गांधी के बयान का? बदतमीजी करिएगा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की मैडम आपके साथ, प्लीज डोंट प्ले विक्टिम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।